राष्ट्रीय आईएमए के आह्वान पर देश भर में डॉक्टरों ने मनाया विरोध दिवस। सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार को दी चेतावनी। जिले में 7 सिपाहियों को मिला उनकी मेहनत का रिजल्ट। प्रोन्नत हो एसआई पर हुए तैनात। एसएसपी ने खिलाई मिठाई, दी बधाई। और बाईपास में शराब की बोतलों के साथ कारोबारी शिक्षक गिरफ्तार। मामले में दर्ज हुआ एफआईआर। राष्ट्रीय आईएमए के आह्वान पर देश भर में आज डॉक्टरों ने विरोध दिवस मनाया और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार को भी कड़ी चेतावनी दी, जिसका असर आज भागलपुर में भी साफ तौर पर देखने को मिला। यहां डॉक्टरों ने सरकारी व निजी अस्पतालों को बंद रखा और सभी सेवाएं ठप कर दी। दरअसल कोविड काल के दौरान वॉरियर्स के रूप में उतरे निजी डॉक्टरों ने अपने कई साथियों को खोया है। बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए कोविड के संक्रमित मरीजों तक अपनी सेवा पहुंचाते रहे, लेकिन शहर के कुछ उपद्रवियों द्वारा डॉक्टरों के खिलाफ न सिर्फ हिंसक वारदात की गई, बल्कि लोगों के दिलो दिमाग पर भी गलत अवधारणा बैठाया गया। आज इसी कड़ी में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल के नेतृत्व में शहर के दर्जन भर डॉक्टर आईएमए में एकजुट हुए और काला बिल्ला लगाकर विरोध भी जताया। इस दौरान अध्यक्ष ने उपद्रवियों द्वारा किए गए कार्यों की कड़ी निंदा की और सरकार से अपनी सुरक्षा के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी सजा की भी मांग की। अध्यक्ष ने सरकार को भी डॉक्टरों की ताकत का एहसास कराया और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार अगर मांग को अनसुनी करेगी तो हम अपनी सभी सेवाओं को ठप कर देंगे। राष्ट्रीय आईएमए के आह्वान पर पूरे देश में हम लोग आज विरोध दिवस मना रहे हैं। विरोध दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि इस कोरोना महामारी में पूरे देश के चिकित्सक अपने प्राण की आहुति देके पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहे, उसके बावजूद समाज के कुछ उपद्रवियों के द्वारा हमेशा चिकित्सकों पर हिंसक वारदातें की गई। यह बहुत ही निंदनीय है कि जिस अस्पताल में हम काम करते हैं एक दिन भी किसी भी चिकित्सक ने छुट्टी नहीं ली, उसके बावजूद भी रात दिन मरीजों के सेवा में लगे रहे और उसके बाद समाज में कुछ लोगों के द्वारा बराबर हिंसा की जाती है। हम लोग चाहते तो ये आंदोलन महामारी के बीच में भी कर सकते थे। ये ईश्वर की कृपा है कि महामारी अंत होने के बाद हम लोग एक सांकेतिक तौर पर बता रहे हैं कि हम इस तरह के वारदात का विरोध करते हैं और समाज के उन सभी लोग तत्वों से जो असामाजिक तत्व हैं उनसे अनुरोध करते हैं एवं सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस तरह के उपद्रवियों को कठोर से कठोर सजा दे। अगर हमारी सरकार मांग को पूरी नहीं करेगी तो इसके बाद हम लोग कंप्लीट शट डाउन कर देंगे, पूरा क्लिनिक सारा बंद हो जाएगा, सरकारी अस्पताल को हम लोग बंद कर देंगे। आप लोग अगर चिकित्सक की शक्ति को नहीं पहचानते हैं तो जल्द पहचान लें, समय रहते वक्त है आप पहचाने और आने वाले समय में इस चीज़ को ध्यान दें कि अस्पताल में किसी भी तरह की या इलाज के स्थान पर नर्सिंग होम में प्राइवेट अस्पताल में किसी भी तरह का अगर कोई उपद्रव करेगा तो हम लोग उसका कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। या सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, साथ ही समाज के उन लोगों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि चिकित्सक कमजोर वर्ग नहीं। वहीं विरोध दिवस को लेकर कोविड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर हेमशंकर शर्मा ने भी आज ओपीडी को बंद रखा और अपनी नाराजगी जताई। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी घेरा और उनके विवादित बयान पर सरकार से भी कार्रवाई की मांग की। कुछ लोगों के द्वारा दुष्प्रचार किया गया कि यह बेकार की बातें हैं, कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, उनकी कोई जड़ी बूटी खा लो ठीक हो जाएंगे, ये गलत है। हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बचाया है, करोड़ों लोगों को बचाया है और इस बीमारी में हमारी राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर 10% के नीचे रही है, जो बहुत ही अच्छा है। विश्व में हम लोग अग्रणी हैं और वैक्सीन बनाने में अग्रणी हैं। दुर्भाग्य की बात है जो वैक्सीन हमें कोरोना से बचा सकती है उस वैक्सीन के बारे में कुछ लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये प्रलाप की कोई वजह नहीं है, वह कुछ जानते ही नहीं हैं, उन्होंने कोई विद्या हासिल नहीं की है, स्वनाम धन्य लोग हैं, इसे मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा इन लोगों का। उसे बिलीव करते ही करते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष ने जो शायद आयुर्वेद का कोई ज्ञाता भी नहीं माना जाता है, कोई विद्या नहीं पढ़ी है, सुना है कि कक्षा 8वीं पास है, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये ठीक है कि योग के और आयुर्वेद के माध्यम से वो घर घर गए, वो इज्जत की बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको घुमा फिरा के डॉक्टरों के विरुद्ध खड़ा करना और जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है वैक्सीनेशन का, उसके अगेंस्ट में बयान देना। कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। कुछ ऐसा ही दृढ़ संकल्प लिए भागलपुर जिला बल के 7 सिपाहियों ने अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है और इनकी आज इसी सफलता ने शोर मचा कर रख दिया।
बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने 7 सिपाहियों को उनकी मेहनत और लगन का बेहतर परिणाम दिया है और इन्हें प्रोन्नत करते हुए अवर निरीक्षक के पद पर तैनात किया है। 7 सिपाही भागलपुर जिला बल में तैनात थे, जिन्हें इनकी मेहनत और लगन का रिजल्ट आज भागलपुर SSP नीताशा गुड़िया ने भी स्वागत समारोह कर किया। SSP ने 7 अभ्यर्थियों को अपने दफ्तर बुलाया, इन्हें आगे की सफलता के लिए बधाई भी दिया और इनके मुंह भी मीठे कराए। भागलपुर जिला बल से 7 सिपाहियों का चयन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के लिए किया गया है और ये 7 सिपाहियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा बहुत ही मेहनत लगन से परीक्षा में बैठे हैं, तैयारी की है और उसको जो है इन लोगों के द्वारा जो है पास किया गया है। इनको और इनके परिवारजन को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हो और हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप में दृढ़ शक्ति है, आप मेहनती हैं, तो और भी आप जो है ऊँचे से ऊँचे पद की अगर कामना रखते हैं तो आपको अपनी मेहनत से वो ज़रूर मिलेगी। स्वागत समारोह के इस मौके पर सार्जेंट मेजर कृष्णकांत शर्मा के साथ अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बता दें कि सफलता की इस ऊंची उड़ान में भागलपुर जिला बल के 4 महिला सिपाही के साथ 3 पुरुष बल भी शामिल हैं। आखिर इस सफलता का मूल मंत्र क्या है और कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, तो आइए इन सफल अभ्यर्थियों से भी रूबरू हो लें और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इनकी ही जुबानी। मैं शुरू से ही इसके लिए प्रयासरत थी और इसके लिए पूरा हौसला भरी है मेरी दी इसके लिए और आगे के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी जो असफल रहे वो आगे अपना तैयारी करें, इसके लिए हताशा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ड्यूटी करते हुए इतना टफ था पढ़ाई करना, फिर भी हम लोग सफल हुए, तो वेरी प्राउड ऑफ। सफलता का सबसे बड़ा राज वही होता है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावे कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मेहनत कीजिए तो सफलता जरूर मिलेगी, आज न कल जरूर मिलेगी। काम सबके लाइफ में रहता है, हमारी ड्यूटी है, कोई घर पे काम करते हैं तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, बट अगर उसके बावजूद आप कुछ बनते हैं तो दिस इज़ आर्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू। सफलता मिला है, बहुत खुशी हुई है, मेहनत एक दिन रंग लाती है, हम लोग को भी लाया है, अच्छा महसूस हुआ है। कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाता है, चाहे आप जिस क्षेत्र में भी मेहनत करते हैं, कुछ ना आज ना कल थोड़ी सफलता मिलने में लेट होती है, लेकिन आज ना कल सफलता मिलती है। हमने आत्मविश्वास के साथ मेहनत किया और वही जो हमको टाइम मिला हम उसी में लगे रहे रेगुलरली, ऐसा नहीं है कि आज पढ़े कल छोड़ दिए, जो भी मेहनत किए रेगुलरली पढ़ते रहे। जो जॉब में है उनको भी जॉब में जितना भी टाइम मिलता है 2 घंटा 3 घंटा उसी को ईमानदारी पूर्वक निकाल कर समय पढ़ना है और तैयारी करते रहना चाहिए था। ये गलत मानसिकता है कि हमको असफल हो गए तो मतलब कुछ कर ले, असफलता ही सफलता का द्वार है। बाईपास पुलिस और एंटी लीकर टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर एक शिक्षक को रंगे हाथ विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। शिक्षक बाईपास थाना क्षेत्र के पिस्ता निवासी शंकर चौधरी का पुत्र रमेश चौधरी बताया जा रहा है, जो जगदीशपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत है, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना पर मोटरसाइकिल समेत उस वक्त दबोच लिया जब वो थाना क्षेत्र के वास्तु विहार के समीप ब्लाइंडर स्प्राइट की 4 बोतल होम डिलीवरी के लिए लेकर जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार शिक्षक से कड़ी पूछताछ की और उसके पिस्ता स्थित घर की भी तलाशी ली, जहां पुलिस ने शिक्षक के घर से विदेशी शराब की और 10 बोतलों को भी जब्त किया है। हालांकि मामले में शिक्षक ने पकड़े गए शराब से खुद को अनजान बताया और खुटाहा के डब्लू यादव को शराब का मालिक बताया। अरे दारू को बोतल के साथ कहां पकड़े लोग? कौन मार्केट लेकर गया? बोला कि पूरे आदमी पीछे था, बोला कि चलो हम तुमको भी दिला देंगे, तो हम उनको ले गए, हमको क्या पता उसको बताया कि यहाँ तुलसी का सामान था, वो छोड़ के भाग गया। तो पहचाने जो नाम डब्लू यादव है, कहाँ का है वो? खुटा का था। खुटा, हाँ। तोरों पास कैसे बोतल मिल रहा है? बोतल कितना बोतल चले? बहरहाल पुलिस ने शराब कारोबारी शिक्षक के पास से कुल 14 बोतल विदेशी शराब जब्त करते हुए शराब अधिनियम कानून के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की पड़ताल में जुट गई है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें आप तक लाइव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।